सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक ज्ञान में। दोस्तों दोस्तों आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दोस्तों, हमारे एलबी साइकोलॉजी क्लास टेस्ट की जो क्लासेस चल रही थी दोस्तों, उन सभी मैंने आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दिया। दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तभी लाइक करें दोस्तों। और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपको पता है कि जैसे कि एलबी साइको का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, जी हाँ रिजल्ट पूरा डिक्लेयर हो चुका है 16 अप्रैल, ठीक है दोस्तों। 16 अप्रैल जो आपकी साइको की डेट दे रखी है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, मान लीजिए बस यही 20 दिन बचे हैं, ठीक है। 20 दिन में दोस्तों हम आपको साइको की इस तरह से तैयारी करवा दूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। इससे पहले वाले जो क्लास है, काफ़ी टाइम बाद मैं अभी क्लासेस अपलोड करूँ दोस्तों, 5-6 दिन बाद 21 तारीख को जो हमारी क्लास, 21वें दिन जो हमारी 21 नंबर की क्लास है दोस्तों, वहाँ मैंने आपको मेमोरी टाइप टेस्ट, टोटल 5 वेरिएटिव टेस्ट होंगे, उसमें से पहला जो टेस्ट है उसके मैंने आपको सारे नियम दोस्तों, सारी शॉर्ट ट्रिक आपको नोट करवा दिया दोस्तों। वहाँ जाइए 21 नंबर की क्लास देखिए और वहाँ से सारी शॉर्ट ट्रिक अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों। एग्जाम में जाने से पहले बस अब एक बार उस शॉर्ट ट्रिक को पढ़ लेना, आपके क्वेश्चन चुटकियों में लोंगे। और अगर आप सॉल्व करने बैठ रहे तो पहले एक बार मेरे जो नियम है उनको पढ़िए, उसके बाद अपना सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे दोस्तों। दूसरा आता है, जो दूसरा टाइप होता है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट दोस्तों, इसमें 3 तरह के टाइप होते हैं। तो तीनों तरह के जो टाइप है दोस्तों मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। इसमें दोस्तों क्लॉक टाइप होता है और टेबल होते हैं, 2 तरह के टेबल होते हैं जिसमें एक में डिजिट आता है और एक में दोस्तों जो हमारा आता है अल्फ़ाबेट आते हैं। तो तीनों ही तरह के हम जो आज पढ़ने वाले हैं, मगर जो खास बात है दोस्तों, इस जो हमारा फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है इसके जो मैंने दोस्तों नियम बनाए हैं, मैंने खुद कम से कम दोस्तों 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद मैंने आपके सारे नियम तैयार किए हैं। मतलब इन नियम को अगर आप एक बार कर लेंगे तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं रहने वाला जो कि आपसे छूट जाए। तो दोस्तों ध्यान से इन सारे नियम को देखेंगे, फॉलो करेंगे, डेफिनेटली मैं गारंटी लेता हूँ कि फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और आप जल्दी से, मतलब आप 2 से 2.5 मिनट में, अगर आप 5 मिनट में 10 क्वेश्चन करने हैं तो दोस्तों आप 2 से 2.5 मिनट में ही 10 क्वेश्चन सोल्व कर दोगे और 5 मिनट का समय मिले तो 20 क्वेश्चन कर दोगे आराम से। मगर करना क्या है, आपको सारे नियम लिखने हैं, सारे ट्रिक्स लिखनी है और उनको याद कर लेना। एक बार याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको समझ लेना है, आपको याद अपने आप हो जाएगी पढ़ते पढ़ते। चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ आपको साइको की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, उसके साथ ही आपको रेलवे और अन्य सरकारी नौकरियों से जुड़ी सभी खबरें आपको मिलती रहती है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते अपनी क्लासेस की तरफ। चलिए दोस्तों, ये जो हमारा सबसे पहले टाइप होता है दोस्तों क्लॉक टाइप, ठीक है, क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इन प्रश्नों में दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया है, मगर एक बार फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, 2 घड़ी के सेट आएंगे दोस्तों, दोनों से आपसे 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों, 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 10 मिनट का जो है समय मिलने वाला है, यानी कि दोस्तों 10 मिनट में आपको टोटल 20 प्रश्न करने हैं। बहुत ही ईजी टाइप है दोस्तों, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस कुछ पॉइंट आता है जहाँ हम छोटी छोटी गलती कर देते हैं दोस्तों, ठीक है, ऐसी बात नहीं, कभी भी आपको टाइम कम नहीं पड़ेगा, मगर आप छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो भाई जो छोटी छोटी गलतियाँ आप कर देते हैं उसको मैं दोस्तों सुधारूंगा और आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे सॉल्व। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, पहला रूल देखेंगे दोस्तों। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल हमारा कहता है, पहला नियम दे दोस्तों हमारा ये कहता है कि ध्यान देखिए, अगर अक्षर बदलने हैं, मान लीजिए घड़ी है दोस्तों, ठीक है, उस घड़ी में आपके सामने बहुत सारे, आपने जैसे कि घड़ी वाले सवाल पहले ही देख रखे होंगे दोस्तों, घड़ी में आपके पास 8 जगह पे कुछ अक्षर लिखे होते हैं, यानी कि ABCDEFG, और उसी के सामने आपके कुछ अंक लिखे होते हैं दोस्तों, तो उन्हीं के नीचे अंक लिखे होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे अंक बदलवा रहा है या अक्षर बदलवा रहा है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरा नियम आप पढ़ेंगे कि जब भी 3 अंकों से त्रिभुज बना जाता है, हर बार आपसे प्रश्न में एक ना एक सेट में आपके ये प्रश्न जो रहेगा कि 3 अंक है दोस्तों, मान लीजिए A1, R2, B7, इन 3 अंकों को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाए, तो इन 3 त्रिभुज मिलाया जाता है, इसमें शीर्ष का अंक कौन सा होता है दोस्तों, जो सबसे पहले A1 आपने स्टार्ट किया था वही आपका शीर्ष अंक हो जाएगा। तो ध्यान देखिए, शीर्ष वाला अंक या अक्षर ही शीर्ष अंक या अक्षर होगा, ठीक है, जो स्टार्टिंग में आएगा वही आपका शीर्ष अंक हो जाएगा। तीसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न में आपको अज्यूम करके चलना होगा, आपको ये अज्यूम करके चलना होगा कि 8 लोग एक गोल टेबल पर बैठे हैं, मतलब आपको अज्यूम कर लीजिए एक गोल टेबल है, जैसे हम रीजनिंग में सॉल्व कर देते हैं, एक गोल टेबल है जिसके बीच में 8 लोग बैठे हुए दोस्तों, उन 8 लोगों में, ठीक है, एक एक आमने सामने मतलब बैठे हुए सब लोग एक दूसरे के, सभी के मुंह बाहर की तरफ है, आपको ये अज्यूम नहीं करना कि सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, टेबल के सेंटर की तरफ नहीं, सबका लोग बाहर की तरफ है मुंह। इससे होगा क्या दोस्तों कि जो प्रश्न करते वक्त जो भी लेटर या डिजिट हो उसका लेफ्ट, यानी मान लीजिए अगर A1 लेटर है तो उसका लेफ्ट दोस्तों आपका राइट हो जाएगा और उसका राइट आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें प्रश्न सॉल्व करना है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि टेबल में जो अक्षर या डिजिट जो भी है हमें अज्यूम करना है कि वो कोई पर्सन है और बाहर की तरफ बैठा है,
उसका नाम R1 है, वो बाहर की तरफ बैठा है, उसका मुंह बाहर की तरफ है, तो उसका लेफ्ट हमारा राइट, उसका राइट हमारा लेफ्ट, इस तरह से हमको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये नियम जो है ना, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसी की वजह से हमारा गलती हो जाती है, क्योंकि हर प्रश्न में बाएँ, ठीक है, इस अक्षर के बाएँ, उस अक्षर के दाएँ, तो आपको गलती नहीं करनी है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आगे नियम है उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए चौथे नंबर का नियम क्या कहता है दोस्तों, नंबर को अदला बदली करते समय विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों जब आप नंबर को अदला बदली कर रहे हैं, तब आपको विशेष ध्यान रखना है कि कहीं गलत नंबर अदला बदली तो नहीं हो रहे दोस्तों, ठीक है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। पांचवा नियम कहता है दोस्तों, मान लीजिए किसी प्रश्न में लगाए, मान लीजिए कोई प्रश्न इस तरह से कि A1 को B2 से, ठीक है, वह B2 को C4 से बदलो, तो C की जगह कौन सा अंक आ जाएगा। आप बोलोगे भाई C की जगह तो क्या नंबर आ जाना चाहिए, क्योंकि B2 की जगह A1 आ गया है, ठीक है ना, यहाँ देखो लिखा है B2 की जगह तो A1 आ गया है, तो C4 की जगह A1, तो दोस्तों इसका आंसर आप लिखोगे A1, मगर दोस्तों यहाँ आप A1 नहीं लिखोगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न में हम जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे वो अपोजिट, यानी कि पहले C4 को B2 से बदलेंगे, फिर B2 को जो C4 बदला है उसको A1 से बदल देंगे। तो अगर आपसे ये पूछता है कि C4, ठीक है, C की जगह कौन सा अंक आ जाएगा, तो दोस्तों हम क्या कहेंगे, C4 की जगह जो आ जाएगा B2 आ जाएगा, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा हमारा, या तो आप B दीजिए या 2 दीजिए, अक्षर पूछता है तो B और डिजिट पूछता है तो 2 आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, इस तरह के प्रश्न में हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। अगला जो आप ध्यान देते हैं, अगला जो हमारा छठे नंबर की जो हम ट्रिक देखते हैं हमारी, क्या है कि यदि किसी प्रश्न में विशेष रूप से कोई डायरेक्शन नहीं दे रही, यदि आपको कोई डायरेक्शन नहीं दे रही कि भाई साहब उसने बोल दिया बस बाएं मुड़ जाओ, ठीक है, मतलब कुछ भी बोला कि सीधे चलिए, बाएं कोने पर जाकर दोबारा उसी पे आइए, तो दोस्तों दोबारा उसी पे आने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज नहीं मुड़ना। अगर आपको डायरेक्शन नहीं दे रही, बाय डिफॉल्ट हमेशा क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त यानी कि आपको घड़ी की दिशा में ही मुड़ना है, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी के डायरेक्शन में मुड़ना है। तो दोस्तों ये जो कुछ प्रश्न थे, इन सभी नियमों के आधार पर आप घड़ी संबंधी सभी प्रश्न हल कर सकते हैं बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी दिक्कत के। इसी की तरह दोस्तों डायरेक्शन फॉलो करनी होती है हमें, तो मेरे टेबल टेस्ट होता है, उसके नियम और इसके नियम कुछ सिमिलर होते हैं, मगर कुछ अंतर होता है, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ जो घड़ी वाला प्रश्न है, इनमें आपको डायरेक्शन में दोस्तों अंतर होता है कि इसका जो लेफ्ट राइट फर्क आता है, मगर टेबल वाले में ऐसा नहीं आएगा। चलिए टेबल वाले प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से और उनको भी नियम याद कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सेकंड टाइप होता है, वो होता है टेबल बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि फॉलोइंग डायरेक्शन में टेबल एक बनी होती है दोस्तों, इसमें 5 रो और 5 कॉलम होती है। कॉलम दोस्तों इस तरह से होते हैं, ठीक है, और रो की बात करें तो रो इस तरह से होती है। कॉलम को दोस्तों हम स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है, कॉलम की बात करें तो उसे हम स्तंभ भी कह सकते हैं, और अगर हम रो की बात करें तो दोस्तों इसे कहते हैं हम पंक्ति, ठीक है, कॉलम को स्तंभ, रो को पंक्ति कहते हैं। अब दोस्तों टेबल टेस्ट में भी 2 तरह के प्रश्न आएंगे दोस्तों, एक में तो आपका क्या लिखा होगा दोस्तों, लेटर, ठीक है, एक में लिखा होगा लेटर, दूसरे में लिखा होगा दोस्तों आपका डिजिट, ठीक है, लेटर में ABCDE तक लिखा होगा, डिजिट में 1 2 3 4 5 तक लिखा होगा। तो चलिए इसके बेस भी नियम थोड़े ज़्यादा हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छे नियम है, विश्वास कीजिए। एक एक प्रश्न मैंने सॉल्व करने के बाद आपके सामने नियम लेके आया हूँ दोस्तों, ताकि एक भी ऐसा प्रश्न हो जो मुझसे छूट जाए और जिस कोई डिफिकल्टी हो आपसे रह जाए। बाकी सभी प्रश्न दोस्तों आप आराम से भी कर लेंगे, मगर जो कुछ क्वेश्चन है जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाते, उनके लिए मैं आपके सामने ट्रिक लेके आया हूँ दोस्तों, बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, आपको फॉलो करना है और आपके डेफिनेटली क्वेश्चन सही होंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिर से दोस्तों एक बार कहूँगा, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आप सब्सक्राइब करने से आपके कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है, बस हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो कि हमारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है, आपके लाइक या सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लग रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टेबल बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, पहला नियम क्या है कि टेबल वाले क्वेश्चन में राइट का मतलब राइट और लेफ्ट का मतलब राइट, ठीक है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं कि सर्कल में कोई नहीं बैठा या मुंह बाहर की तरफ, यहाँ टेबल है 5x5 की, तो यहाँ आपको ये कुछ भी अज्यूम नहीं करना कि इसका राइट मेरा लेफ्ट, ठीक है, राइट का मतलब राइट और लेफ्ट का मतलब लेफ्ट ही रहने वाला है। चलिए दोस्तों दूसरा देखिए, जो भी डायरेक्शन दी जाए उसको धीरे धीरे पढ़कर फॉलो करते हैं, बड़े आराम से आपके प्रश्न होंगे दोस्तों। यहाँ जो है प्रश्न आते हैं 10 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 5 मिनट का समय मिलता है, ठीक है, इस तरह से आपके 2 सेट आते हैं, तो आपके क्या होगा दोस्तों 10 मिनट टोटल मिल जाएंगे और आपको 10-10 के 2 प्रश्न करने हैं, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है, ट्राई करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नियम जो क्या कहता है, किसी भी प्रश्न में जिस भी अक्षर या अंक से दाएं या बाएं, मान लीजिए किसी भी प्रश्न में दिया है, मान लीजिए कोई अक्षर देखिए ई से दाएं तीसरा अक्षर, अगर वो बोल रहा है तो दाएं तीसरा अक्षर मतलब ई से, तो ई को छोड़ने के बाद जो 3 अक्षर आते हैं, तीसरा अक्षर आता है वो मानेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ मेन बात यही है, मुख्य बात यही है कि दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में बाएं या दाएं जाना है, ठीक है, किसी भी प्रश्न में बाएं या दाएं जाना है,
तो उस अक्षर को ना गिनें, ठीक है, उस अक्षर को ना जाएं, इसकी उसके आगे जाएं या बाएं जाएं, ठीक है ना। कोई भी नंबर बोले तो जिस अंक से गिनना है उसे सम्मिलित ना करें, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। उस अक्षर को सम्मिलित ना करें कि आप उसको बोलो पहला, कि ई से बोला तो ई पहला, फिर उसके बाद ए है दूसरे, उसके बाद सी है दूसरा, उसके आगे आपको पता है कि बी भी है, मगर आप बी को ना गिने तो आंसर बी होगा, थर्ड वाला, ठीक है। चलिए अगला पाँच चौथा नियम जो हम देखेंगे दोस्तों की, मान लीजिए थोड़ा ये माँ हो गया है, टाइपिंग थोड़ा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है दोस्तों, मगर फिर भी देखिए आपके लिए कोशिश की है कि ज़्यादा दम ले सकें। तो मान लीजिए कि किसी भी प्रश्न में बाएं जाना है, मैं बाएं तरफ कोई अक्षर अंक नहीं है, मान लीजिए एकदम बाएं कोने पे हम खड़े हैं, ठीक है, पहला रो पहला कॉलम पहला अक्षर ए उधर रहे, अब आपको बोलता है कि इसके बाएं चौथा अक्षर, अब दोस्तों उसके बाएं चौथा अक्षर तो कोई है ही नहीं, ठीक है, अब आप यहाँ उल्टा नहीं जाएंगे, अब ऐसी कंडीशन में आपको सभी स्टूडेंट गलत करते हैं कि उल्टा जाते हैं, और फिर वहाँ से जो उसके बाद वाला दूसरा अक्षर होता है उसको चौथा करके कर देते हैं। दोस्तों आपको यहाँ करना ये है कि अगर बोले सबसे लीस्ट यानी कि सबसे कोने वाले दायां, सबसे दाएं कोने पर, सबसे बाएं कोने पर, ऊपर हो चाहे नीचे हो, खड़े हो, आप बाएं कोने पर खड़े हैं, आपको दाएं बाएं जाने को बोले और, या आप दाएं कोने पर खड़े हैं और आपको और दाएं जाने को बोले, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। इसका मतलब, इसका अर्थ ये है कि हम दाएं जाएं, इसी तरह अगर दाएं जाने को बोले तो आपको बाएं जाना है, ये विशेष आपको ध्यान रखना है, अन्यथा दोस्तों आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा नियम है, याद रखेंगे। पांचवा नियम जो क्या कहता है, जब भी किसी प्रश्न में ये बोले कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में कौन सा अक्षर समान है, ठीक है, यहाँ कॉमा सुखे हैं, कौन सा अक्षर समान है, तो याद रखें हर बार दोस्तों कम से कम मेरे पास तीन या चार बार ये क्वेश्चन आए हैं कि कोई भी फलाना पंक्ति में या फलाना पंक्ति फलाना रो में कौन से दो अक्षर है जो समान है, तो दोस्तों ई व सी अक्षर ही ऐसे होते हैं जो कि समान दिखाई देते हैं दोस्तों, अन्य कोई भी अक्षर समान नहीं होगा, डेफिनेटली उन दोनों में ई व सी होगा। तो यहाँ आपको ऐसा करना है कि ऐसे अक्षर जो समान दिखते हैं अन्य कोई अक्षर नहीं, तो आपको यहाँ ई और सी समान दिखेंगे, उसके बेस पे आपको आंसर लगाना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपके प्रश्न में ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों आपके एग्जाम में, डेफिनेटली आप इसको छोड़ के आएंगे, मगर अगर आपने ये नियम पढ़ा हुआ है, मेरा वाला नियम पढ़ लिया, तो डेफिनेटली आप दोस्तों सही करके आएंगे, आपका एक नंबर सही हो जाएगा जो भी है। छठा रूल देखता है, अगर किसी प्रश्न में बोले कि किसी अक्षर पर पहुंचे हुए उस अक्षर का दूसरा या तीसरा विकर्ण कौन सा होगा, मान लीजिए आपसे बोला सबसे एंड वाले कोने पे पहुंच गए आप, नीचे दाएं कोने पे किसी अक्षर पर पहुंचे हुए उस अक्षर का दूसरा या तीसरा विकर्ण कौन सा होगा, तो इस कंडीशन में भी दोस्तों उस अक्षर को काउंट नहीं करना है। तीसरा मतलब उस अक्षर को छोड़ के तीसरा अक्षर कौन सा, या उस अक्षर को छोड़ के दूसरा कौन सा, या उस अक्षर को छोड़ के पहला या चौथा पांचवा कौन सा है, ये देखना है आपको हमेशा, ठीक है। और चौथे से बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि उस अक्षर के बाद चार ही अक्षर आएंगे, पांच सौ आएंगे नहीं, तो ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला नियम देखते हैं, सातवां नियम क्या कहता है कि कई बार बहुत ईजी बट कन्फ्यूजिंग डायरेक्शन दे देगा, ठीक है, बहुत ईजी होगी मगर कन्फ्यूजिंग, देखिए कैसे पढ़ते हैं कि पंक्ति चार से सीधे चलकर ई अक्षर पर पहुंचकर ऊपर की ओर तीसरा अक्षर पहुंचकर उसके बाएं तीसरा अक्षर कौन सा, अरे बार बार तीसरा अक्षर दे रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है आपको, बस क्या करना है, जैसे बोलता है पंक्ति चार से सीधे चली, तो पंक्ति चार से सीधे चलकर ई पर खड़े हो जाएगी बस, अब पीछे का भूल जाओ, पंक्ति चार से स्टार्ट करता ई पर पहुंचे, ई पर पहुंचकर ऊपर की ओर तीसरा, तो ई को छोड़ के तीन गिनो और वहां पहुंच जाओ, ठीक है, फिर उसका पहुंचकर बाएं यानी कि लेफ्ट लेफ्ट जाओ, तीसरे अक्षर पर खड़े हो जाओ, वही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से भी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि प्रश्न कुछ इस तरह है कि पंक्ति दो, एक प्रश्न है जो कि ऐसा है कि पंक्ति दो को विपरीत क्रम में लिखने पर, कोई एक पंक्ति दो है उसको विपरीत यानी कि अपोजिट में लिखने पर दाएं से चौथा अक्षर के नीचे तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, यानी कि विपरीत क्रम में लिख दिया, अब ये कहता है कि राइट से चौथा अक्षर को छोड़ के तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ आपको क्या करना, आप राइट व लेफ्ट को छोड़ दीजिए, ठीक है, आपको विपरीत ना भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पंक्ति को आपने दो पंक्ति किसी को उल्टा कर दिया, विपरीत ना करो कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है, कि वहाँ आपको अगर मान लीजिए पेन पेपर ना मिला विपरीत करने नहीं पड़ेंगे, आपको क्या करना है दोस्तों, आप राइट को लेफ्ट समझिए और लेफ्ट को राइट मानकर प्रश्न हल कीजिए, आपका प्रश्न डेफिनेटली सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करें, मतलब इस तरह से आप अपनी प्लानिंग करके चलेंगे दोस्तों, आपको कम मेहनत में बिना पेन चलाए भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं अगर आप मेरे नियम पढ़ेंगे तो। नाइन्थ रूल कहता है दोस्तों, कई बार मुड़ने के लिए नहीं गएगा, ठीक है, किसी किसी प्रश्न में मुड़ने के लिए नहीं गएगा, मगर आपको मुड़ना पड़ता है, तो यहाँ अपने दिमाग से प्रश्न हल करें, देखिए किस तरह की सिचुएशन है कि रो एक से सीधे बढ़िए, अब रो एक है उससे सीधे बढ़ते जाइए और लास्ट अक्षर पर पहुंचकर नीचे की ओर मुड़ने पर, अब लास्ट अक्षर पर पहुंचकर नीचे की ओर मुड़ने पर डी अक्षर पर पहुंचे, अब वहां पहुंच गए, अब उसके एक दो छोड़ के डी अक्षर होगा, अभी बोला डी पर पहुंचे, इसने ये नहीं बोला मुड़ो कि नीचे मुड़ो और डी पर पहुंचो, तो नीचे की ओर मुड़ने पर डी अक्षर पर पहुंचकर कौन सा अक्षर मध्य अक्षर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या है कि फ्री एज्यूम भी करना, मतलब अपने दिमाग से काम लेना कि कहां किस तरफ मुड़ना है, कैसे क्या करना है, इतना बातें आपको ध्यान रखनी है।
लास्ट रूल कहता है दोस्तों, मान लो किसी प्रश्न में बोले कि नीचे अंतिम अंक के नीचे दूसरा अंक कौन सा होगा, ठीक है, कि सबसे नीचे अंतिम अंक है, ठीक है, सबसे लास्ट है उसके नीचे दूसरा कौन सा होगा, तो आपको यहाँ नीचे की जगह आपको ऊपर से कैलकुलेट करना है कि ऊपर दूसरा कौन सा होगा, ठीक है, तो नीचे की जगह ऊपर जाए, और अगर ऊपर दे रखा हो और उसके भी और ऊपर, तो दोस्तों आप नीचे से आ जाए। तो ये कुछ दोस्तों मेरे नियम थे जो मैंने बनाए हैं अच्छे से, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद दोस्तों ये नियम मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों इन नियम को, इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में, दोस्तों इन नियमों को पढ़ने के बाद में आप कोई सा भी प्रश्न फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में से गलत नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपका एक बैटरी टेस्ट का दोस्तों पक्का होगा, गारंटी लेते हैं हम लोग। मेमोरी टेस्ट की भी मैंने आपको ट्रिक्स लिखा दी है, वहाँ भी आप जाइए पढ़िए, डेफिनेटली आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों आने वाली क्लासों में मैं आपको जो है स्पीड परसेप्शन टेस्ट, डेथ परसेप्शन टेस्ट और सिमिलैरिटी टेस्ट के भी नियम लिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी ही लगी होगी दोस्तों, अच्छी लगी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक जो लाइक वाला बटन होता है दोस्तों उसको दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, और दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी बताओ कि हाँ इस चैनल पर साइको की क्लासेस चल रही है, काफ़ी अच्छी हमें तैयारी कर रहे हैं काफ़ी अच्छे नियम से, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को डाउनलोड करके सेव करके भी रख सकते हो ताकि आप फ्यूचर में भी इसे देख सको, वरना आप सब्सक्राइब करके रखिए, आप कभी भी हमारे चैनल पर आके देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।